जी, ये तो यहाँ की बहुत ही बाढ़ विधानसभा की जितने भी वार्ड है अधिकतर की बहुत ही भयावह स्थिति हो रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 8, 16, 25, वहाँ की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा दयनीय हो रखी है। उसके साथ ही आप राणा बीघा में देख लीजिए, वहाँ पे भी खेतों में इतनी पानी हो रखी है कि वहाँ हम लोग फसल तक की अभी बुआई नहीं कर सकते हैं। उसके साथ आप सनौरा में चले जाइए, वहाँ पे बाढ़ इतनी आ रखी है पानी की, सारे फसल वहाँ की डूब गई है। और उसी को देखते हुए आज सहनौरा के लोगों ने एनटीपीसी के पास NH-31 को जाम किया भी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाढ़ विधानसभा के बहुत बाढ़ों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो रखी है। नेता कह रहे हैं कि जल जमाव की स्थिति पूरे बाढ़ में हो गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्राकृतिक आपदा है, इस बार बारिश खूब हो रही है और इसके बीच जो बाढ़ का नगर परिषद है वो लगातार एक्टिव है। मैं 2-3 दिन 4 दिन पहले एग्जीक्यूटिव साहब से मिला था तो बहुत देर तक जल जमाव पे मेरी बात उनसे हुई, एसडीओ साहब से मेरी बात हुई कि कैसे निकासी हो। एसडीओ साहब ने मुझे जानकारी दिया, मैं भी डीएम साहब से बात किया कि 2 बड़ा पंप हाउस भेजा जा रहा है बाढ़, जिससे कि शहर के पानी का निकासी होगा। और फिर मुझे जानकारी मिली कि वार्ड नंबर 8 में पानी का जमाव हो गया है, तो मैं पता किया कि कैसे क्यों हो गया है, तो पता चला कि लहरिया पोखर तरफ कहीं बोरा डालकर पैक कर दिया गया था। तो मैं तुरंत एग्जीक्यूटिव से कह के प्रशासन की व्यवस्था करवा के और उस बोरा को निकलवाने का काम किया और फिर पानी का निकास हो गया और शहर में जो भी पानी है 1-2 दिन में सब पानी को निकालने का काम कर लिया जाएगा। अभी राणा बीघा में भी जल जमाव की समस्या थी तो उसको भी हम लोगों ने जल निकासी का काम करवाने का काम शुरू करवा दिया है। और सहनौरा में एनटीपीसी के द्वारा जो पानी छोड़ दिया गया था उसके लिए हम लोग 10 दिन पहले काम हम लोगों ने करवा लिया है। वहां के ग्रामीणों के सहायता से मैं एसडीओ साहब से मिला और एसडीओ साहब एक टीम बना दिए, वो सारा चीज का सर्वे किया एनटीपीसी के अधिकारी और किसान लोग, और मुआवजा एनटीपीसी के अधिकारी लोग से बात हो गई है। जल्द से जल्द सहनौरा के सभी लोगों को और रामनगर के लोगों को मुआवजा देने का काम एनटीपीसी करेगा।